हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आइलोनिमा, इसका क्लासिफिकेशन, इसके कमेंट्स और इसका डायग्राम। अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइलोनिमा, इसका क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा या फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके लक्षण ल्यूकोसोलेरिया के समान होते हैं। इसकी क्लास एग्जोक्रिनिलिडा, इसके कंकाल सिलिकल्स ट्राइएक्सोन का बना होता है। ऑर्डर एम्फीडाइस्कोपोरा, इसमें ल्यूकेन प्रकार का नलिका तंत्र पाया जाता है। जीनस आइलोनिमा। इसके कमेंट्स, नंबर एक है सामान्यता क्लास रूप स्पंज कहलाता है। नंबर दो, शरीर की लंबाई 8 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें छोटे और बड़े एम्फीडेस्क स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर चार, इसके पूरे शरीर पर एग्जायस्टर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर पाँच, इसके शरीर का अगला सिरा गोल या अंडाकार होता है। इसके अक्ष से लंबे स्पिक्यूल्स का गुच्छा निकलता है जो एक पूंछ बनाता है। नंबर छः, इसका स्पिक्यूल्स एक दूसरे से संलयित होकर जाल जैसा कंकाल बनाते हैं। सूखे हुए स्पिक्यूल्स कांच जैसे दिखाई देते हैं। नंबर सात, स्पॉन्जोसूल नली भांति विकसित होते हैं तथा वास्कुलम सिक प्लेट द्वारा ढके रहते हैं। नंबर आठ, लंबे लंबे स्पिक्यूल्स रूट डक्ट बनाते हैं जो कि होल्ड का स्टंग की भांति कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम। यह एलोनिमा का डायग्राम है। इसमें सबसे ऊपर गैस्ट्रल कोन, इसके बाद बॉडी, सिम्बायोटिक रूट स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।